नमस्ते, केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल यू। सो गाइस, आज का वीडियो अमेज़न में से मैंने कुछ ड्रेस बाय किए जो कि काफी अच्छे, आप रूटीन वेयर में भी वेयर कर सकते हो, या कॉलेज में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, या ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हो, इस टाइप के हैं। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ गाइस, अमेज़न में काफी अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं। अप टू 50 से 80% तक की आपको छूट मिल जाती है, 1500+ ब्रांड मिल जाती है और 4 लाख+ आपको स्टाइल मिल जाती है। तो प्लीज एक बार जरूर चेक करना। और मुझे थोड़ा जुकाम है इसलिए मेरा वॉइस थोड़ा ब्रेक किया हुआ आएगा, तो प्लीज मैनेज कर लेना। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ड्रेस है वो मैंने 749 में बाय किया है, स्मॉल साइज में, और इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है और ये एज अ पार्टी वेयर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसका मटेरियल आपको जॉर्जेट टाइप का मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आगे की साइड पे आपको एक बटन मिल जाएगा जो कि ओपनेबल है, इस तरह से वुडन का बटन दिया हुआ है। 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में इसमें अस्तर डाला हुआ नहीं है। बाकी पूरे ड्रेस में आगे की और पीछे की साइड पे अस्तर डाला हुआ मिल जाएगा। इसमें आपको फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगी और थोड़ा शाइनी वाला भी मटेरियल है। नीचे यही मटेरियल की सेम प्रिंट इसमें भी आपको नीचे फ्रिल की हुई मिल जाएगी इस तरह से। सो इसका लुक और भी इनहेंस होके आता है इस तरह से। और आगे की साइड पे आपको डोरी भी मिल जाती है, अगर आपको हल्का सा लूज लगे तो आप डोरी से टाई अप कर सकते हो। ओवरऑल इसका फिटिंग काफी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है, इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पीस है वे प्योर कॉटन मटेरियल में है। अगर आपका टमी फैट ज्यादा हो या हिप का पोर्शन भी ज्यादा हो तो इसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इस तरह से पूरा ड्रेस दिया हुआ है, आगे की साइड पे बटन दिया हुआ है और अपर लेवल में इसमें प्लेट्स लगाए हुए हैं, इसके कारण आपका टमी फैट ज्यादा नहीं दिखेगा। एल्बो तक की स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स में भी आपको एक वुडन का बटन मिल जाएगा इस तरह से, और हल्की सी पफी स्लीव्स है और इसमें आपको बेल्ट अटैच दिया हुआ है, इस तरह से बेल्ट भी दिया हुआ है यही मटेरियल का, कॉटन का, यही प्रिंट का। इसका घेरा भी आप देख सकते हो, काफी अच्छा घेरा है। अगर आपका हिप्स का पोर्शन काफी ज्यादा है तो आप इस तरह के ड्रेस वेयर कर सकते हो, काफी अच्छा लुक लगता है। और ऐसे आप कुर्ते की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, व्हाइट या ब्लैक लेगिंग्स के साथ। इसको मैंने 699 में बाय किया है, स्मॉल साइज में। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो पॉलिस्टर मटेरियल में है, पर इसकी प्रिंट और इसकी पैटर्न काफी अच्छी पैटर्न दी हुई है और इसको आप एज अ आप कॉलेज में भी पहन सकते हो और पार्टी में भी पहन सकते हो, इस टाइप का ड्रेस है। इसको मैंने 711 में बाय किया है, स्मॉल साइज में। इसमें आपको वी नेक मिल जाता है, वी नेक के साथ ही साथ आपको इस तरह से आगे की साइड पे बटन मिल जाते हैं जो कि वुडन के बटन दिए हुए हैं। इसमें आपको एल्बो तक की स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स में भी यहाँ पे डोरिया दी हुई है और यहाँ पे पैटर्न दी हुई है इस तरह से। पूरा यहाँ पे राउंड गिर का ड्रेस दिया हुआ है, नीचे की साइड पे भी यहाँ पे प्लीट्स लगाई हुई है और पूरा मल्टी कलर के फ्लोरल प्रिंट में दिया हुआ है, काफी अच्छा है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी न्यू है और काफी बजट फ्रेंडली है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पीस है वो प्योर कॉटन मटेरियल में है और इसकी प्रिंट भी काफी अच्छी है, इंडिगो प्रिंट दी हुई है, प्योर कॉटन मटेरियल है। रूटीन वेयर में पूरे दिन पहनोगे तो भी कंफर्टेबल रहेगा, इस टाइप का है। और इसको मैंने 749 में बाय किया है, स्मॉल साइज में। वी नेक दिया हुआ है, अंगरखा स्टाइल दिया हुआ है, वो प्रॉपर अंगरखा स्टाइल नहीं है, स्टाइल आगे की साइड पे इस तरह से नेक दिया हुआ है क्रॉस में, और व्हाइट कलर की थ्रेड की आपको लेस मिल जाती है और इसमें आपको फुल स्लीव्स मिल जाती है। फुल स्लीव्स के साथ ही साथ आपको इस तरह से इलास्टिक भी मिल जाता है, विद यहाँ पे आपको पॉकेट भी मिल जाता है और पूरा काफी अच्छा घेर वाला ड्रेस है। आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, और आप इसे एज ए कुर्ते की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहते हो, लेगिंग्स के ऊपर, पैंट के ऊपर पहनना चाहते हो तो भी पहन सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट जो पीस है वो ब्लैक और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में, ये भी काफी अच्छा है, इसकी पैटर्न भी काफी अच्छी है,
इस तरह से ब्लैक एंड ब्राउन में आपको मिल जाता है ड्रेस। और इसको मैंने 6x9 में बाय किया स्मॉल साइज में। स्टैंड पट्टी कॉलर है, चाइनीज कॉलर बोल सकते हैं। इस टाइप का कॉलर दिया हुआ है, आगे की साइड पे वुडन के बटन डाले हुए हैं पूरे में, पर ऊपर के जो दो बटन है वो ही ओपन होते हैं, नीचे के बटन ओपन नहीं होते हैं। आगे की साइड पे हुक एंड आई दी हुई है, दो बटन की वो ही है। और आपको यहाँ पे 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, सिंपल सोबर 3/4 स्लीव्स दी हुई है। प्योर कॉटन मटेरियल है, प्लीट्स वाला पूरा इसमें ड्रेस दिया हुआ है। और बीच में आपको हल्का सा कट भी मिल जाएगा, क्योंकि बीच में पूरे में बटन दिए हुए हैं इसलिए। और इसको भी आप एज अ कुर्ते सेट की तरह भी यूज कर सकते हो, इसके नीचे आप ब्राउन ब्लैक या मरून कलर की लेगिंग्स या पैंट वेयर करके। सो गाइस, इसमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आती है तो आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की बाय लिंक आपको मिल जाएगी, तो जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और हाँ गाइस, मेरी चैनल पे और भी नए नए वीडियो आने वाले हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते अगले वीडियो में।